हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज जो मैं प्लांट दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही सुंदर फॉलेज प्लांट है। इसे क्रिप्टेंथस या अर्थ स्टार कहते हैं, कुछ लोग इसे स्टारफिश भी कहते हैं। देखिए, इसकी शेप स्टार जैसी है। ये ब्रोमिलियाट फैमिली से बिलोंग करता है। इसका फॉलेज बहुत सुंदर होता है। इनकी लीव्स थोड़ी वेव्सली होती हैं और देखिए साइड से ये कर ली हैं और इनमें स्ट्राइप्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की, जैसे कि ग्रीन के साथ वाइट, पिंक या रेड और ग्रे कलर की। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसे आउटडोर और इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं, बस वहाँ इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट हो। इंडोर भी लो लाइट में ये अच्छे से चल जाता है। ये एपीफाइट टाइप का प्लांट है, मतलब ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, बट ये गार्डन में पॉट में भी अच्छे से चल जाते हैं, बस पॉट की सोइल वेल ड्रेन्ड हो और उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हो। केमिकल फर्टिलाइज़र इसे पसंद नहीं है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इनकी लीव्स ड्राई हो जाती हैं और इनका कलर ग्रीन हो जाता है, यानी कि वेरिगेशन डल हो जाता है। इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत पसंद है। इन्हें ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। आउटडोर में रखना हो तो दूसरे प्लांट्स के नीचे ये खुश रहते हैं। विंटर में इन्हें ठंड से बचाना चाहिए, ये लो टेम्परेचर झेल नहीं पाते, तब इन्हें अंदर ही रखें। और रेनी सीज़न जो है इनका फेवरेबल है। इन्हें ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। इनके लिए स्मॉल पॉट ही सूटेबल होते हैं। इन्हें आप मिनिएचर गार्डन में और टेरेरियम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स शैलो होती हैं और आप ऐसे इनके सिरामिक पॉट में भी इनको लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पॉट है ये। प्लास्टिक के पॉट को इसके अंदर रख दें तो प्लांट की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये दोनों पॉट 4 इंच के हैं और जब यह प्लांट मैच्योर हो जाता है तब इसमें फ्लावरिंग होती है। जब फ्लावर निकलता है तब मदर प्लांट जो है डेड होने लगता है और उसके चारों ओर पप्स निकलने लगते हैं। जब ये फ्लावर श्रेड हो जाए यानी सूख जाए, जैसे ब्राउन कलर का हो जाता है, तो इन्हें कट कर देना चाहिए, जिससे प्लांट अपना फूड पप्स को ग्रो करने में लगा देगा। ये फ्लावर लॉन्ग टाइम तक बने रहते हैं और इनमें पप्स निकलते रहते हैं। ये ऑफसेट्स पूरे साल निकलते रहते हैं। इसे वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं, बस सॉइल इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए और पानी इतना दें कि सॉइल सोगी ना हो। पानी तभी दें जब सॉइल ड्राई फील हो, लीव्स पर पानी ना डालें। अगर सॉइल सोगी हो जाएगी तो इसमें फंगस लग जाएगा और प्लांट जो है डाई हो जाएगा। ये एपीफाइट टाइप के होते हैं, जैसे कि एयर प्लांट होता है। ये किसी ट्री या वुड ऑब्जेक्ट पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर इनको सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा टाइम ये ड्रॉट कंडीशन में भी रह जाते हैं, यानी कि सॉइल अगर थोड़ी सी ड्राई होगी तो भी ये प्लांट जो है सर्वाइव कर जाता है। इनको फिल्टर वाटर ही दें, वो इनके लिए बेस्ट रहता है। और देखिए इसमें कितने पप्स निकल आए हैं। इनसे न्यू प्लांट बन जाते हैं। इन्हें चाहे तो आप इसी पॉट में रहने दें या फिर निकाल कर दूसरा पॉट तैयार कर लें। ये एक पॉट में मिनिमम 7-8 पप्स हैं, देखिए कितने सारे लग रहे हैं ये। तो आप इनको निकाल कर बहुत सारे पॉट तैयार कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको NPK का लाइट स्ट्रेंथ वाला, जैसे कि 10:10:10 या 14:14 दे सकते हैं। इनमें पेस्ट तो कोई खास नहीं लगता, बस फंगस का ही खतरा रहता है। कभी कभी स्केल इंसेक्ट्स हो जाते हैं, तब आप इसको कॉटन से क्लीन कर दें। प्लांट में जो भी ड्राई या येलो लीव्स हों उनको रिमूव कर दें, जिससे प्लांट सुंदर भी दिखेगा और फंगस भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।